गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। पासवान जी, किस तरह से आप इस सिचुएशन को देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा स्टेक तो नहीं है यूपी में, ये साफ नजर आता है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब ऑन रिकॉर्ड ये मानने लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात लगातार हो रही है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। देखिए समीर भाई, ये भ्रम है। ये इमरान जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हरा सकती है और कोई पार्टी नहीं हरा सकती है, एक पक्ष तो उनका सही है, दूसरा पक्ष जो है वो गलत है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है, कोई पार्टी जाति विशेष की बात करती है, ओवैसी जी समुदाय विशेष की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी व्यक्ति विशेष की बात करती है। उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश वासियों की बात यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और पिछले 4 वर्षों में हमारा रिकॉर्ड है। तो अभी गुरु प्रकाश, ये मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम जातियों को साधने की कोशिश, जातिगत समीकरणों को ध्यान रखते हुए, ये किसने की? अरे तो सभी वर्गों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया गया, किसी एक जाति को दिया गया है क्या? आप बताइए मुझे। सिर्फ सवर्णों को दिया गया है, सिर्फ ओबीसी को दिया गया है, सिर्फ दलितों को दिया गया है? आप सोशल प्रोफाइलिंग करके देख लीजिए, बराबर संख्या में सभी जाति के लोग हैं, संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में, पुरुष महिला दलित ओबीसी सवर्ण मुस्लिम सब लोग हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में। विनोद शर्मा जी, ये कांग्रेस का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में चुनावों से एन पहले, कैसे देख रहे हैं आप? वो भी तब जबकि प्रियंका गांधी मौजूद हैं और काफी सक्रिय नजर आ रही हैं इस बार चुनावों से पहले यूपी में, लखनऊ में। देखिए आप जो भी आकलन कर लें, ये बात सच है कि आज के दिन समाजवादी पार्टी ही मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी की यूपी में। कांग्रेस अपनी हैसियत बढ़ा सकती है, हो सकता है इलेक्शन में उसको ज्यादा सीटें आ जाए, लेकिन आज के दिन जो झंडा उठाया हुआ है बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, और जहां पर एक तंत्र हो किसी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का एक तंत्र है वहां पर, और वहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो लगभग वही उम्र है जो योगी आदित्यनाथ की होगी शायद, और वो मैं समझता हूँ बराबर की टक्कर उनको दे सकते हैं। ये जो बीजेपी ने अभी फेरबदल किया है, अभी वो कुछ मंत्री और ले आए थे 3 महीनों के लिए, ये टोकनिज्म है पासवान साहब, जो मर्जी कहते रहे, ये टोकनिज्म है। 3 महीने में टेक्निकल एजुकेशन में क्या करेगा जितिन प्रसाद, आप मुझे बताइए ना। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको दिया है और 3 महीने में क्या चंद्रमा उतार के ले आएंगे जमीन पे? तो ये सब दिखावे की बातें होती हैं। और वहां पर मुख्य प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन ये देखना है कि ये जब छोटी छोटी जातियां जो अपने साथ ले आए हैं जी, क्या वो लोग अंततोगत्वा योगी आदित्यनाथ को जीत हासिल करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? क्योंकि अंदरूनी तौर पर उत्तर प्रदेश में आज के दिन काफी नाराजगी है, ये बात बीजेपी नहीं मानेगी। और उस नाराजगी का सबसे बड़ा संकेत यह है कि जिस तरह से योगी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में पर समस्त भारत में, उनके पास तो लगता है धन बहुत है। और इसीलिए ये कहा भी गया कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार में उन नाराजगियों को दूर करने की कोशिश की गई है। मैं कौशिक साहब से भी एक रिएक्शन लेना चाह रहा था, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।